Good morning, students. Good morning to all. Previous class में हम लोग sources of energy start किए हैं. Okay, good morning everybody once again. And we will conclude this chapter within one or two class. And then we will start revision of the chapter electricity. But first we will conclude this chapter, one or two sources of energy remaining in this chapter. Okay. So yahan par hum log sources of energy mein hum log सोर्सेस ऑफ एनर्जी में हम लोग यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, थर्मल पावर हम लोगों ने पढ़ा है. आज हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पढ़ेंगे. हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिसिटी जेनरेट बाय फॉलिंग वाटर. इन दिस प्रोसेस वाटर इज फॉल फ्रॉम हाइट. हाइट से वाटर को फॉल किया जाता है और फॉलिंग वाटर से टर्बाइन को रोटेट करते हैं. बाद बाकी प्रोसेस सिर्फ थर्मल के ही जैसा है, लेकिन टर्बाइन को रोटेट करने के लिए थर्मल पावर में हम लोग कोल का यूज करते हैं. कोल को जला करके उसका हीट का यूज करते हैं वाटर को बॉयल करने के लिए. और वाटर का वेपर जो होता है उस वेपर का यूज किया जाता है टर्बाइन को रोटेट कर. स्टीम ऑफ वाटर इज यूज्ड टू रोटेट द टर्बाइन एंड रोटेशन ऑफ टर्बाइन इज यूज्ड टू रोटेट द शाफ्ट ऑफ जनरेटर. जनरेटर का शाफ्ट का यूज किया जाता है, शाफ्ट को रोटेट किया जाता है टर्बाइन का रोटेशन से. और जब टर्बाइन रोटेट करता है जनरेटर का शाफ्ट रोटेट करता है और जनरेटर का शाफ्ट रोटेट करता है, यू नो दैट देयर शुड बी अ रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट. बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड. तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है इंडिया में अभी तक 45% इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के रूप में. और 45 से बिलो ही है और इससे ज्यादा जो है हम लोग यूज करते हैं किसमें, थर्मल पावर का यूज करते हैं. और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है इसमें 35% इंडिया में अभी इसका यूज किया जा रहा है. इट इज वेरी नीट एंड क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी, नो पॉल्यूशन. वाटरफॉल जो होता है इसमें कोई पॉल्यूशन नहीं. मल्टीपर्पज डैम का नाम तुमने सुना है, भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट, कृष्णा प्रोजेक्ट, सतलुज प्रोजेक्ट, है ना, बहुत प्रोजेक्ट का, रिवर वैली प्रोजेक्ट, डैम का यूज. तो डैम में जो वाटर रिजर्व करके रखते हैं, रिजर्व वाटर को फॉल किया जाता है हाइट्स. और वाटर फॉल जो किया जाता है उस वाटर फॉल का यूज किया जाता है टर्बाइन को रोटेट कर. एक डायग्राम यहाँ पर देखो, रफ डायग्राम.
वाटरफॉल होता है डैम का, रिजर्वर से हाइट से वाटर को फॉल किया जाता है, डैम में रिजर्व जो वाटर रहता है। और यहाँ पर टर्बाइन, तुम जानते हो इसके टर्बाइन के ऊपर में वाटरफॉल होता है तो टर्बाइन घूमने लगता है। तो यही वाटर का काइनेटिक एनर्जी का यूज करते हैं, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर इज यूज टू रोटेट द टर्बाइन ब्लेड ऑफ टर्बाइन। और टर्बाइन का रोटेशन से यहाँ पर जनरेटर को कनेक्ट कर देते हैं और जनरेटर का शाफ्ट रोटेट करने लगता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। बहुत सिंपल प्रोसेस है, हमारे कंट्री में बहुत सारा डैम है तो उससे वाटर फॉल करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। अगर तुम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर फ्यूल का तुम निकालो डिटेल्स, स्टेटस क्या है इसका, मेरिट क्या है, डिमेरिट, तो मेरिट ही मेरिट है इसका। इट हैज हाई एफिशिएंसी, मतलब जितना ऊपर से वाटर गिरता है हाई काइनेटिक एनर्जी से बहुत फास्ट रोटेट करता है ये टर्बाइन, उससे जाइंट जनरेटर से लार्ज स्केल में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। इको फ्रेंडली है, नो स्मोक, नो कार्बन डाइऑक्साइड, नो कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो है पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। फ्री ऑफ कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, फ्री ऑफ कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है वाटर फॉलिंग के द्वारा। ओनली वंस टू इंस्टॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इज कॉस्टली फॉर गवर्नमेंट, एक बार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को इंस्टॉल करना, लगवाना, ये जो है कॉस्टली है गवर्नमेंट के लिए। बाद बाकी इसमें कोई इनपुट नहीं लगता है, कोल के तरह कोल दे के जलाना नहीं पड़ता है, डीजल नहीं जलाना पड़ता है, इनपुट कुछ नहीं है, वाटर ऑलरेडी नेचर से मिलता है और उस वाटर का यूज, उस वाटर फॉलिंग का यूज करते हैं हम लोग टर्बाइन को रोटेट करने में। वाटर का अवेलेबिलिटी हमेशा बना रहता है हमारे पास नेचर में, तो यही फ्यूल का काम कर रहा है। तो इनपुट नहीं है, कुछ कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, इजी टू स्टोर, इजी टू ट्रांसपोर्ट, वो इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से हम लोग स्टोर करके और सप्लाई करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी जो हाइड्रो पावर का यूज करके हम लोग बनाते हैं वो हमारे लिए आइडियल फ्यूल है, आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जबकि हम लोग थर्मल पावर जो यूज करते हैं, थर्मल पावर स्टेशन जो है वो हमारे लिए आइडियल फ्यूल नहीं है, क्योंकि वहां कोल जल रहा है, फॉसिल फ्यूल जल रहा है, वो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है, लिमिटेड स्टॉक है उसका। तो कंपैरिजन करते हैं हम लोग तो सोर्स ऑफ एनर्जी में हम लोग देखते हैं कि हमारे कंट्री में वाटर के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कम जनरेट हो रहा है, 35% ही है, और हम लोग ज्यादा डिपेंड है थर्मल पावर पर जो कि कुछ दिन के बाद समाप्त हो जाएगा। तो धीरे धीरे हम लोग अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के तरफ में अपना डिपेंडेंस बढ़ाएं तो हमारे लिए इन्वायरमेंट के लिए भी बेटर होगा और सस्ता इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलेगी, जो कॉस्टली इलेक्ट्रिसिटी मिलता है उससे फ्री ऑफ कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। और इससे बेनिफिट क्या है, एक साथ कई यूज इसका होता है, मल्टीपर्पज डैम, ये सभी डैम का नाम होता है, तुम ज्योग्राफी में पढ़ते होगे, डैम जो है ये सभी मल्टी प्रोजेक्ट मल्टी पर्पस डैम कहा जाता है, मतलब एक डैम और अनेक काम। क्या है, वाटर रिजर्वर होता है, वाटर जो इधर उधर वेस्ट होता है उसको रिजर्व करके रखा जाता है और उसी वाटर को हाइट से फॉल किया जाता है जिससे ये टर्बाइन रोटेट हुआ और जनरेटर चला, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन। और वो वाटर जो फॉल होकर के जा रहा है केनाल से, उसका यूज किया जा रहा है इरिगेशन के लिए, क्रॉप्स इससे उगाया जा रहा है, फसल का उत्पादन किया जा रहा है। तो दो काम इतना इम्पोर्टेंट काम हो गया, पहला तो ये वाटर फॉल होते ही ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है और फॉल होकर के ये जो जा रहा है इससे इरिगेशन हो रहा है, सिंचाई हो रहा है, फसल का उत्पादन हो रहा है। और वो डैम जो है जहाँ लार्ज स्केल में वाटर जो है स्टोर किया है, गवर्नमेंट क्या करता है उसमें फिशरीज करता है, मत्स्य पालन करता है, और वो मत्स्य पालन करके जो फिशरीज करता है उसको सेल करता है, सप्लाई करता है, इससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू आता है। तो एक डैम है और उसका कई यूज है, इसलिए उसको मल्टीपर्पज डैम कहते हैं। तो अगर इसका जो है
हम लोग अवेलेबिलिटी बढ़ाए तो ये हमारे लिए बहुत ही इको फ्रेंडली फ्री ऑफ कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। हमारे कंट्री में बहुत जगह पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, जहां जहां डैम है ये डैम जो है वहां वहां हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाया जा रहा है और इससे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। बस प्रिंसिपल यही है कि जनरेटर को किसी तरह से देयर शुड बी ए रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट। सब जगह हम लोग ये टरबाइन का यूज करते हैं। विंड इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो पावर के बाद विंड इलेक्ट्रिसिटी, विंड एनर्जी का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। ऐसा ही टरबाइन लगा दिया जाता है पूरा लार्ज एरिया में, विंड इलेक्ट्रिसिटी जो किया जाता है विंड के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, नेचर से अवेलेबल है। विंड ऐसे जगह पर लगाते हैं जहां पर की विंड का स्पीड एटलीस्ट 15 किलोमीटर पर आवर, इसका ये कंडीशन है। तो ये सा इसके लिए अवेलेबल प्लेस जो है, सुटेबल प्लेस इसके लिए सर्च किया जाता है कहां पर की विंड इलेक्ट्रिसिटी का प्लांट लगाया जाए। तो वैसे कोस्टल एरियाज में बड़े बड़े लार्ज एरिया में ऐसा टरबाइन लगा दिया जाता है, कई सारा टरबाइन लगा दिया जाता है, वो हवा से घूमते रहता है, विंड के कारण घूमते रहता है और सब में जनरेटर सेट कर दिया जाता है। वो विंड के कारण घूमते जाता है और सब में जनरेटर सेट रहता है, जैसे ये विंड प्लांट हो गया, यहाँ इसमें जनरेटर है, ऐसा बहुत सारा प्लांट लगा दिया जाता है बड़े से लार्ज एरिया में। तुम लोग डायग्राम भी देखोगे, नेट पर भी देता है और बुक में भी दिया है, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल, ये सभी एरिया में जो कोस्टल एरिया है वहाँ लार्ज एरिया में ऐसा विंड प्लांट लगा दिया जाता है। और कोस्टल एरिया में हवा तेज चलता है, विंड का स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से ज्यादा रहता है, वो लगातार टरबाइन रोटेट करता है, रोटेशन ऑफ टरबाइन से जनरेटर का शाफ्ट रोटेट करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, हाई एफिशिएंसी, इको फ्रेंडली, इजी टू स्टोर, इजी टू सप्लाई, इजी टू हैंडलिंग। डिमेरिट्स, इट रिक्वायर 15 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ विंड स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर का स्पीड में होना चाहिए। एवरीवेयर इट कैन नॉट बी इंस्टॉल, सभी जगह पर इसको इंस्टॉल नहीं किया जा सकता है। टू इंस्टॉल विंड प्लांट इज कॉस्टली, एक बार विंड प्लांट लगाना कॉस्टली है, लेकिन उसके बाद से हमें फ्री ऑफ कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, कोई कॉस्ट नहीं, कोई कोल नहीं जल रहा है, कोई डीजल का यूज नहीं किया जा रहा। तो विंड इलेक्ट्रिसिटी से तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका, ये सभी स्टेट जो है इंडिया का, ये सभी राजस्थान का भी कुछ इस पार्ट है, ये सभी जो है वहाँ डेजर्ट में स्पीड ऑफ विंड ज्यादा है, वहां पर भी यूज किया जाता है। ये सभी स्टेट जो है काफी आगे है इस फील्ड में, जहाँ पर की विंड इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट किया जाता है, लार्ज स्केल पर किया जाता है। अबाउट 15% इलेक्ट्रिसिटी वो सब स्टेट में विंड इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट किया जाता है। तो मेरिट और डिमेरिट ये सभी देखोगे तो ज्यादातर मेरिट है, डिमेरिट बहुत कम है, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर मेरिट ज्यादा है, डिमेरिट क्या है, इट कैन नॉट बी इंस्टॉल एवरीवेयर, सभी जगह पर डैम नहीं लगाया जा सकता है, इसके लिए सोर्स ऑफ वाटर जहां पर अवेलेबल है, रिवर है, वहां पर लगाया जा सकता है। एक बार लगाना कॉस्टली होता है, एक बार प्लांट लगाना तो कॉस्टली होता है, गवर्नमेंट अगर एक बार प्लांट लगा दे तो फ्री ऑफ कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो। विंड इलेक्ट्रिसिटी वो सब स्टेट अगर अधिक लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करे तो सप्लाई भी कर सकता है दूसरे स्टेट को, सेल भी कर सकता है, उसको रेवेन्यू भी आएगा। तो विंड इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये सभी हम लोग अल्टरनेट सोर्स के रूप में आज के डेट में अपना रहे। थर्मल पावर के जगह पर हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, विंड इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये सभी पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ये हमारा अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। और
थर्मल पावर के जगह पर हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी का यूज कर रहे हैं। कोल को रिप्लेस करके हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी का यूज कर रहे हैं। जो पावर प्लांट है उस जगह पर अगर हम लोग कोल का यूज ना करके हीट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का अगर यूज करें तो वो हमारे लिए ज्यादा बेटर है, क्योंकि हमारे कंट्री में बहुत न्यूक्लियर रिएक्टर है, लेकिन हमारा कंट्री न्यूक्लियर एनर्जी से ओनली 3% इलेक्ट्रिसिटी ही जनरेट कर रहा है। लेकिन दूसरा कंट्री जो है, डेवलप्ड कंट्री जो है, जैसे फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, जापान हो गया, यूएसए हो गया, यूके हो गया, ये सभी अपना जरूरत का 50% से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर पावर प्लांट से जनरेट कर रहे हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर जो है, एटॉमिक रिएक्टर जो है, उसका मेन काम क्या है, वो डिफेंस के लिए, वो बॉम्ब बनाता है, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाता है जो वार में यूज किया जाता है। बाद बाकी दिन तो ऐसे ही पड़ा रहता है, बेकार रहता है, बंद रहता है। सरकार को, गवर्नमेंट को उस पर बहुत खर्च है, इतना उतना स्टाफ को वहां रखा है उसका मेंटेनेंस के लिए। और उसी को अगर यूज करें हम लोग डेली यूज के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो वो बॉम्ब भी बना रहा है, बॉम्ब सेफ भी है वार के लिए, और एवरीडे हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी भी मिल रहा है। ऐसा हो सकता है। न्यूक्लियर रिएक्शन दो प्रकार का होता है, एक न्यूक्लियर फ्यूजन और एक न्यूक्लियर फीजन। न्यूक्लियर फ्यूजन, ये रिएक्शन सन में होता है, ये अनकंट्रोल है। और यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर में जो न्यूक्लियर फ्यूजन बम बनता है वो अनकंट्रोल है, इस पर अभी तक कंट्रोल नहीं है। वो बॉम्ब जो है वो बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है और वो कमांड नहीं है, इसलिए न्यूक्लियर फ्यूजन का यूज नहीं किया जाता। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, टू लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन करके एक हैवी न्यूक्लियस बनाता है। व्हेन टू लाइटर न्यूक्लियर कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म ए हैवी न्यूक्लियस, इन दिस प्रोसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड, लार्ज स्केल पर एनर्जी निकलता है हीट के रूप में न्यूक्लियर फ्यूजन में। सन में क्या होता है, हाइड्रोजन का आइसोटोप, दो हाइड्रोजन का आइसोटोप कंबाइन करता है, हीलियम बनाता है। यही प्रोसेस सन में चलते रहता है, हाइड्रोजन कंबाइन करके हीलियम बनता है, टू लाइटर न्यूक्लियर कंबाइन करके हीलियम बनाता है हाइड्रोजन का, और इस प्रोसेस में लगातार हीट रिलीज होता है। तो जितना भी स्टार है, सन भी एक स्टार है, सभी स्टार में सोर्स ऑफ एनर्जी है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा वहां पर हीट जनरेट होता है, सन इसका एग्जांपल। वो न्यूक्लियर फ्यूजन बम जो बनता है वो अनकंट्रोल है, इतना डिस्ट्रक्टिव है कि उसको यूज नहीं कर सकते हैं कंट्रोल वे में, लेकिन वो अनकंट्रोल है, वो सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही कर सकता है। लेकिन दूसरा रिएक्शन है न्यूक्लियर फीजन। न्यूक्लियर फीजन जो है वो क्या करता है, एक हैवी न्यूक्लियस जो है, वन हैवी न्यूक्लियस डिवाइडेड इनटू टू लाइटर न्यूक्लियस, वन हैवी न्यूक्लियस डिवाइडेड इनटू टू लाइटर न्यूक्लियाई, एंड इन दिस प्रोसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। व्हेन द न्यूक्लियस इज बॉम्बार्डेड बाय अल्फा पार्टिकल, जब उसके ऊपर में बम्बार्डिंग किया जाता है, न्यूट्रॉन से बम्बार्डिंग किया जाता है, तो ये जो है दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक न्यूक्लियस दो पार्ट, और वो दो जो बना उस पर भी बम्बार्डिंग किया जाता है, दो से चार बनता है, चार से आठ बनता है, आठ से सोलह बनता है। तो ये चैन रिएक्शन जो है ये किया जाता है, वो कंट्रोल वे में किया जाता है, चैन रिएक्शन, और इस प्रोसेस में लगातार हीट रिलीज होते जाता है। इन दिस प्रोसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज, हीट एनर्जी रिलीज होता है, और उस हीट एनर्जी का यूज किया जाता है वाटर को बॉयल करने, उस एनर्जी का यूज किया जाता है कंट्रोल वे में
लेबोरेटरी में जिस दिन हम लोग क्लास करेंगे तुम लोग को पूरा दिखलाएंगे उसका सेटअप, ठीक है, डायग्राम सेटअप दिखाएंगे। और वो जब हीट, जैसे कि हीटर में रॉड रहता है वो हीट जेता है, उसी प्रकार न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या करता है कि वो रॉड जो है वो हीट देता है और वो रॉड वाटर में, वाटर के कॉन्टेक्ट में कर दिया जाता है जिससे वाटर बॉयल होता है, उससे स्टीम बनता है और उस स्टीम का यूज किया जाता है टर्बाइन को रोटेट करने में, जिस प्रकार से थर्मल पावर प्लांट में किया जाता है। तो न्यूक्लियर फिजन जो है इसमें क्या होता है, वन हैवी न्यूक्लियस डिवाइडेड इनटू टू लाइटर न्यूक्लियाई और ये चैन रिएक्शन किया जाता है। और इसके लिए फ्यूल यूरेनियम 235, यूरेनियम का रॉड, यूरेनियम जिलेटिन ये सभी चीज का यूज किया जाता है। और यूरेनियम हमारे कंट्री में अवेलेबल है और कम अमाउंट में यूरेनियम फ्यूल लगता है रिएक्टर में और उससे एक्सेसिव अमाउंट में हीट रिलीज होता है, इतना हीट रिलीज होता है कि उससे लार्ज स्केल पर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। हमारा कंट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा को इलेक्ट्रिसिटी मिल सकता है और उसका हम लोग अगर बढ़ा दें, प्रोडक्शन बढ़ा दें, तो हम लोग ज्यादातर न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। टू थर्टी फाइव जो है ये डिवाइड होता है, क्या होता है, एक से दो में डिवाइड हुआ, इससे भी दो डिवाइड होकर के मिलता है। उससे भी दो निकला तो आप सबसे ऐसे जो वन निकला उससे भी डिवाइड करके दो किया जाता है तो ये चैन रिएक्शन बनता है। ये चैन रिएक्शन जब तक हम लोग को उसका एनर्जी लेना है तब तक वो चैन रिएक्शन चलते रहेगा, एक से दो पार्ट में, दो से चार, चार से आठ, ऐसे करके ये लगातार ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता है न्यूक्लियर फ्यूजन। और ये कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन, कंट्रोल रिएक्शन कहा जाता है, कंट्रोल चैन रिएक्शन। और ये कंट्रोल चैन रिएक्शन के द्वारा लगातार न्यू एटॉमिक रिएक्टर में हीट जनरेट किया जाता है और उस हीट का यूज किया जाता है वाटर को बॉयल करने में, बॉयल वाटर का यूज किया जाता है स्टीम को जनरेट करने, स्टीम का यूज किया जाता है टरबाइन को रोटेट करने में और टरबाइन रोटेट करता है उसका यूज किया जाता है जनरेटर को चलाने में। सब जगह एक ही प्रोसेस है, टरबाइन को घुमाओ, टरबाइन से जनरेटर कनेक्ट है, तुम्हारा मेन जो है वर्क क्या है, टरबाइन को रोटेट करना। जॉइंट शेप का आर्यन राज का क्वेश्चन है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये जो है हमारे इसलिए रिन्यूएबल इसको मानेंगे क्योंकि इतना लार्ज स्केल में अवेलेबल है, यूरेनियम हो गया और भी न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो लार्ज स्केल में अवेलेबल है और कम क्वांटिटी का यूज किया जाता है और इससे हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, हीट मिलता है। एक छोटा सा यूरेनियम रॉड, ये मार्कर के शेप का यूरेनियम रॉड, इससे ये बहुत बड़ा पार्ट हो गया, इससे भी बहुत छोटा पार्ट का यूज किया जाता है फ्यूल में, न्यूक्लियर रिएक्टर में। और इससे जो है इतना ज्यादा हीट जनरेट होता है, इतना लार्ज अमाउंट में हीट जनरेट होता है कि उससे कंट्री का लार्ज एरिया को कई दिन तक इलेक्ट्रिसिटी मिल सकता है। तो सोचो कि ये जो अवेलेबिलिटी है न्यूक्लियर यूरेनियम का, ये काफी ज्यादा है इंडिया के अलावा और भी दूसरा कंट्री में ये अवेलेबल है, ये जो है हमारा मिनरल्स में पाया जा रहा है लार्ज स्केल पर और इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। और सबसे बड़ा बात है कि डिस्ट्रक्शन के लिए जो बनाया जाता है बॉम्ब, और उसके अलावा ये रखा रह रहा है, काफी ज्यादा अनयूज्ड है। कितना ज्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर जो है इंडिया में, तुम लोग को पता होना चाहिए कि तमिलनाडु में है और कर्नाटका में बंगलोर में है, महाराष्ट्र का तारापुर में है, ये तीन चार जगह जो है वो ऑर्डर में,
और भी कुछ जगह पर है जहां पर कि ये प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, लेकिन हम लोग का कंट्री सिर्फ 3% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है न्यूक्लियर रिएक्टर से, और न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो सिर्फ बम बनाने के लिए यूज होता है, बम बना करके रखा गया है और वहां पर सिर्फ गवर्नमेंट को मेंटेनेंस में खर्च करना पड़ता है। तो वही अगर उसका यूज हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर का यूज, न्यूक्लियर फिजन का यूज अगर हम लोग करें, कंट्रोल चैन रिएक्शन का यूज करें हीट जनरेट करने के लिए, तो वहां से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, एक साथ दो काम हो जाएगा। वो न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो डिफेंस पर्पज से अपना तो वर्क करेगा ही करेगा, और साथ में इलेक्ट्रिक करंट भी जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी भी जनरेट होगा, और जिससे हमारा कंट्री जो है, जो अभी आज के डेट में डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री नॉट डेवलप्ड कंट्री, लाइक जर्मनी, फ्रांस, यूके, ये सभी डेवलप्ड कंट्री है और हमारा कंट्री डेवलपिंग कंट्री है। यहाँ एनर्जी का ही क्राइसिस है, एनर्जी का ही क्राइसिस है, कोयले से ज्यादा पर डिपेंड कर रहे हैं, हाइड्रो पावर कम है, विंड इलेक्ट्रिक कम है, न्यूक्लियर बताए 3% है, जब न्यूक्लियर रिएक्टर ज्यादातर बंद है, अगर उसको प्रॉपर ऑर्डर में अगर हम लोग यूज करना शुरू कर दें तो हमारे कंट्री को लार्ज स्केल में इलेक्ट्रिसिटी मिलने लगेगा। इतना कॉस्टली इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पे करते हैं, 6-7 रुपया यूनिट काफी कॉस्टली है, अगर वो सभी सोर्स पर अगर हम डिपेंड करें तो इतना ज्यादा स्केल पर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होगा कि 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा और बहुत ही चीप सस्ता रेट में इलेक्ट्रिसिटी होगा और एनर्जी प्रोवाइड होगा तो डेवलप करेगा कंट्री। कंट्री का डेवलपिंग का बहुत बड़ा की फैक्टर है एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सारा जो है फैक्ट्री इंडस्ट्री उसी से चलता है। तो कॉस्टली इलेक्ट्रिसिटी से ऑलरेडी ज्यादा इनपुट बढ़ जाता है, अगर कम कॉस्ट में इलेक्ट्रिसिटी मिले तो और ज्यादा डेवलप करेगा कंट्री। तो ये हमारे कंट्री में अभी न्यूक्लियर रिएक्टर में अगर हम लोग और ज्यादा फोकस करें तो जो है हमारा कंट्री इलेक्ट्रिसिटी अधिक से अधिक जनरेट करेगा। अदर कंट्री जो है जैसे कि G5 G8 कंट्री जो है वो सभी डेवलप्ड कंट्री है वर्ल्ड का, तो उसी तरह से इंडिया भी कर सकता है, न्यूक्लियर फ्यूजन पर हम लोग अपना डिपेंडेंस बढ़ा सकते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर का यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। और अब सभी सोर्स ऑफ एनर्जी का मेरिट और डिमेरिट हम लोग पढ़ते हैं। इसका मेरिट क्या है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू, कम अमाउंट लार्ज स्केल पर हीट, हाई कैलोरीफिक वैल्यू, एंड ऑल्सो इको फ्रेंडली बट कंडीशनल इको फ्रेंडली। कंडीशनल इको फ्रेंडली का मतलब न्यूक्लियर वेस्ट जो होता है इसको न्यूक्लियर कचरा, न्यूक्लियर वेस्ट जो होता है वो बहुत ही पॉइजनस होता है, बहुत ही पॉइजनस सब्सटेंस होता है, अगर उसको प्रॉपर मैनेजमेंट करके ही डिस्पोज किया जाता है, प्रॉपर डिस्पोज किया जाता है उसका, प्रॉपर डिस्पोज किया जाता है तो ओके है, अदरवाइज वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव है, उसका वेस्ट जो होता है वो भी बहुत पॉइजनस होता है, उसका हार्मफुल इफेक्ट बहुत जगह पर मिल भी चुका है। तो उसको डिस्पोज जो होता है किया जाता है वो प्रॉपर वे में उसका डिस्पोज किया जाता है, फिर वो इको फ्रेंडली है, हार्मफुल उसका इफेक्ट को जो है वो क्या कहता है, प्रॉपर वे के साथ उसको डिस्पोज करते हैं, उसका हार्मफुल इफेक्ट को कम कर देते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं, और इजी टू स्टोर है न्यूक्लियर रिएक्टर में, इजी टू ट्रांसपोर्ट है, इजी हैंडलिंग है, और सबसे बड़ा बात है चीप है, सस्ता है, और एक साथ दो काम हो रहा है, वो हम लोग लगाए हैं डिफेंस के लिए, न्यूक्लियर रिएक्टर डिफेंस पर्पज से, तो उसमें हमारा काम हो ही रहा है, साथ साथ में इलेक्ट्रिसिटी भी मिल रहा है, तो क्या दिक्कत है, एक साथ दो काम हो रहा है, बम भी बन रहा है डिफेंस के लिए, जो भी बने वहां पर वो डिफेंस पर्पज से भी काम कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर रहा है, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में इरिगेशन भी हो रहा है, फॉलिंग वाटर का इलेक्ट्रिसिटी में भी हो रहा है। डिमेरिट क्या है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर इंस्टॉल न्यूक्लियर रिएक्टर इज वेरी कॉस्टली फॉर गवर्नमेंट, एक न्यूक्लियर रिएक्टर लगाना गवर्नमेंट के लिए बहुत ही कॉस्टली काम, हमारे कंट्री जैसे डेवलपिंग कंट्री को
न्यूक्लियर रिएक्टर लगाना, प्लांट लगाना, न्यूक्लियर रिएक्टर लगाना ये बहुत ही टफ जॉब है, इसके लिए लार्ज अमाउंट में रेवेन्यू चाहिए, इसलिए कम है, और जो है वो भी प्रॉपर वे में नहीं काम कर रहा है। तो अगर इसको प्रॉपर वे से अगर इंस्टॉल कर दें तो उससे लार्ज स्केल में इलेक्ट्रिसिटी होगा, गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू मिलेगा। दूसरा डिमेरिट क्या है, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट, प्रॉपर मैनेजमेंट न्यूक्लियर वेस्ट का किया जाता है डिस्पोजल के लिए, अदरवाइज इट इज वेरी हार्मफुल। अदरवाइज क्या होता है, ये बहुत ही हार्मफुल होता है, ठीक है। तो कुछ डिमेरिट्स होता है, जितना भी सोर्स ऑफ एनर्जी है उसका सबका मेरिट के साथ साथ डिमेरिट होता है, कुछ मेरिट है कुछ डिमेरिट है, ओके। अगले दिन हम लोग स्कूल में इसका सारा सेटअप भी देखेंगे, तुम लोग को बताएंगे, उसके बाद ये चैप्टर हम लोग कंक्लूड करेंगे। अब इसमें एक सोर्स ऑफ एनर्जी है सोलर पैनल, सोलर पैनल का यूज करते हैं। आज के डेट में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के लिए सोलर एनर्जी का यूज कर रहे हैं, क्या करते हैं सोलर पैनल, और उसमें सेमी कंडक्टर जो है सिलिकॉन, सेमी कंडक्टर सिलिकॉन का यूज करते हैं। क्या काम है, बस एक पैनल ले लेते हैं, तुम लोग सबको ही पैनल से वाकिफ हो, वो सोलर पैनल, उसमें सिलिकॉन लगा दिया जाए और उसके ऊपर में जब सनलाइट फॉल होता है तो सिलिकॉन से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होने लगता है, और उसको हम लोग वायर से कनेक्ट कर देते हैं, और वायर से कनेक्ट करके फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस फ्लो ऑफ करंट, उससे हमें ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी मिलने लगता है। बैटरी चार्ज करके इन्वर्टर फुल चार्ज करते हैं, नाइट में भी इसका यूज करने लगते हैं। तो सोलर पैनल यहाँ पर देखो, ऐसा ही सोलर पैनल पर बटन के जैसा जैसा सिलिकॉन्स लगा दिया जाता है और सारा एक दूसरे से कनेक्टेड है। सारा एक दूसरे से कनेक्टेड है और वायर के रूप में हम लोग आउटपुट निकाल लेते हैं। जब इस पर सनलाइट फॉल होता है, सिलिकॉन के ऊपर में जब सनलाइट फॉल होता है तो सिलिकॉन से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है, इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है उस, और वायर से ये कनेक्ट है, वायर से कनेक्ट है, वायर से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगता है, एंड यू नो दैट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस फ्लो ऑफ करंट, इट इज फ्लो ऑफ चार्ज, तो फ्लो ऑफ चार्ज होता है और इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। फ्री ऑफ कॉस्ट, हाई कैलोरीफिक वैल्यू, सनलाइट, जैसे अभी सनलाइट अगर बढ़ रहा है, तेज हो रहा है, उसका यूज सोलर पैनल को सनलाइट में रख देते हैं, वो सनलाइट उसके ऊपर में इंसिडेंट होता है और सिलिकॉन से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस फ्लो ऑफ करंट, जिसका यूज हम लोग अपने घर में अलग अलग प्रकार का एपरेटस चलाने में यूज कर सकते हैं। बैटरी चार्ज, डीसी करंट आता है तो बैटरी चार्ज करके रखते हैं, इन्वर्टर वगैरह सब चार्ज रहता है। और मेरिट इसका कितना है, वी गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्री ऑफ कॉस्ट, इको फ्रेंडली है, कोई पॉल्यूशन नहीं, नो पॉल्यूशन, ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी, ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी को नाम दिया जाता है, कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कोई कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, हाई कैलोरीफिक वैल्यू, हाई एफिशिएंसी, सनलाइट के कारण लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रॉन जनरेट करती है, इमिशन होता है, जिससे काफी इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, इको फ्रेंडली, इजी टू हैंडल, इजी टू ट्रांसपोर्ट, सोलर पैनल को भी एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं, ला सकते हैं, स्टोर उठा करके सनलाइट में रख सकते हैं, शाम में उठा के घर में कर सकते हैं या फिक्स कर सकते हैं उसको, जैसे आजकल टीवी का जो रहता है सेटअप, डिश रहता है एंटीना, वैसे ही सेट कर दो तो दिन में सनलाइट के से एनर्जी देगा और बैटरी भी चार्ज होगा, जिसका यूज तुम रात में भी कर सकते हो, चीप है, सस्ता है, कॉस्टली नहीं है, बस टू परचेज सोलर प्लांट इज कॉस्टली, सोलर पैनल एक बार खरीदने में कुछ खर्च लग सकता है लेकिन फिर कोई खर्च नहीं है, कोई डीजल, कोई पेट्रोल, कोई कोल नहीं,
फ्री ऑफ कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। मेरिट इसका ज्यादा है। डिमेरिट क्या है? सब में कुछ ना कुछ डिमेरिट रहता है। डिमेरिट ये कि ये नाइट में काम नहीं करता है, इट डज नॉट वर्क एट नाइट। सोलर पैनल नाइट में काम नहीं करता है, नाइट में सनलाइट नहीं, क्लाउडी वेदर में काम नहीं करता है। क्लाउडी वेदर जिस दिन रहेगा उस दिन काम नहीं करेगा। बैटरी से सोलर पैनल सिलिकॉन लेयर को ग्लास पर रख दिया जाता है, ठीक है, ग्लास का कवर कर दिया जाता है, ठीक है, और वहां पर जो है सोलर पैनल ये जो है कोई मेटल का लेयर रहता है, उसके ऊपर में सोलर का ये सिलिकॉन्स लगा करके उस पर ग्लास लगा दिया जाता है और उससे वायर को कनेक्ट कर दिया जाता है। तो ये जो है मेनली सिलिकॉन्स का यूज किया जाता है और ग्लास का यूज किया जाता है, और इस प्रकार से सोलर पैनल का यूज करते हैं। आज के डेट में गवर्नमेंट सोलर पैनल का लार्ज स्केल पर यूज कर रही है। ज्यादातर स्टेशन या गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह है तो स्टेशन खास करके रेलवे स्टेशन सबके ऊपर में छत पर पूरा सोलर पैनल लगा दिया जाता है और उसी सोलर पैनल से उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलता है पूरा दिन, और वो स्टोर करके रखता है, नाइट में भी मिलता है, ठीक है, सोलर पैनल से मिलता है। सोलर पैनल से ट्रैफिक लाइट भी यूज किया जा रहा है, बड़ा बड़ा पिलर लगा करके उसमें सोलर पैनल लगा है, दिन भर वो चार्ज होता है और नाइट में वो इलेक्ट्रिसिटी देता है, फ्री ऑफ कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, इसका यूज किया जाता है सोलर का, ठीक है। तो ये सभी सोलर जो है इको फ्रेंडली है, ये सब इको फ्रेंडली सोर्स ऑफ एनर्जी। सोलर पैनल को आज के डेट में हम लोग यूज कर रहे हैं। एक फैमिली अगर एक पैनल को लगा ले तो उससे उसका डेली यूजेज का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाएगा, एनफ इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। ओके, सो नाउ स्टूडेंट लेस देन 1 मिनट टाइम बचा है और अब इसका चैप्टर कंक्लूड हम लोग कर चुके हैं। एक क्लास इसका किसी दिन हम स्कूल में लेंगे, वहां पर इसका प्रैक्टिकली सेटअप तुम लोग को दिखाएंगे, सोलर कुकर दिखलाएंगे और न्यूक्लियर रिएक्टर का दिखलाएंगे। ओके, और अब अगले क्लास से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट इलेक्ट्रिसिटी, और स्कूल आएंगे तो एक दिन हम लोग लेबोरेटरी